दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐप को बैन कर सकते हो, आप खुद ही बैन करवा सकते हो। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है उसे प्ले स्टोर से हटवा सकते हो, चाहे वो फिर कोई सा भी ऐप हो, कोई सी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो। अगर वो आपको हरासमेंट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप उसे कैसे बैन कर सकते हो? आप खुद ही उसे बैन करवा सकते हो और उसे प्ले स्टोर से हटवा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप कैसे समझ पाओगे और कैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐप के हरासमेंट से बच सकोगे? क्योंकि ये जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐप होते हैं, क्रेडिट बी लोन ऐप हो गया, किस्त लोन ऐप हो गया, पॉकेट लोन ऐप हो गया, मनी यू लोन ऐप हो गया, ये जितने भी लोन ऐप है आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाते हैं और ये सारे आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये ऐप जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। चाहे आप लोन अमाउंट देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, टेन्योर देख लीजिए और रिकवरी एजेंट के मामले में देख लीजिए, दोस्तों ये ऐप कोई भी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। ये आपको बहुत ही ज्यादा हरासमेंट करते हैं और बहुत से सब्सक्राइबर के मैसेज भी आते हैं कि ये लोन ऐप मुझे परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, इसे ये कब बैन होगा, इसकी रिपेमेंट करनी है या नहीं करनी है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऐप आपको परेशान करता है तो आपको उसकी रिपेमेंट करनी है या नहीं करनी है और आप उसे कैसे बैन करवा सकते हो, प्ले स्टोर से भी हटवा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऐप की कंप्लेंट करनी होगी। दोस्तों ये लोन ऐप एक दो कंप्लेंट से बैन तो नहीं होएगा, लेकिन मिलकर सभी कंप्लेंट करेंगे, आरबीआई में इसकी कंप्लेंट करेंगे तो ये ऐप बैन हो जाएंगे, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, उसके खिलाफ चलते हैं। अगर आप इसकी आरबीआई में कंप्लेंट करोगे तो ये लोन ऐप प्ले स्टोर से हट सकते हैं, बैन हो सकते हैं। आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करनी है, इसकी ईमेल आईडी ये है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा इसकी ईमेल आईडी का, आपको कैसे इस पर कंप्लेंट करनी है, ये ईमेल आईडी है, आपको इस पर कंप्लेंट करनी है और आप इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐप को बैन करवा सकते हो। चाहे एम पॉकेट लोन ऐप हो, किस्त लोन ऐप हो, क्रेडिट भी लोन ऐप हो, मनी यू लोन ऐप हो, कोई भी लोन ऐप हो जो आपको हरासमेंट कर रहा है आप उसको बैन करवा सकते हो, प्ले स्टोर से आप उनको हटवा सकते हो। दोस्तों ये जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऐप होते हैं, सरकार तो इनका कुछ नहीं कर सकते, जो भी अथॉरिटी होती है इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास पैसा बहुत है और ये उसमें पैसे भर देते हैं, फिर ये उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को हरासमेंट करके बहुत सारा पैसा वसूलते हैं। 100 में से 80% तो ऐसे लोग हैं जो इनसे डर कर इनकी रिपेमेंट कर देते हैं, सिर्फ 20% लोग ये जो इनकी रिपेमेंट नहीं करते हैं, 80% लोग तो ऐसे जो इनकी रिपेमेंट करते हैं और ये बहुत ही उनको हरासमेंट करके बहुत ही ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं। और दोस्तों इनके पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार तो इनका कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन दोस्तों इनका कर सकती है तो आरबीआई। आप इनकी कंप्लेंट सीधा आरबीआई में कीजिए, क्योंकि आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऐप होते हैं उनको लाइसेंस देती है, वही रद्द करती है। सीधी आपको कंप्लेंट करनी होगी आरबीआई अथॉरिटी में, वहां से ही ये लोन ऐप बैन हो सकते हैं, इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोन ऐप आपको हरासमेंट करता है, आपको परेशान करता है, तो आपको उसकी सीधी कंप्लेंट आरबीआई अथॉरिटी में करनी है। उसकी ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया, आप उस पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस ऐप आपको परेशान करता है आप उसकी सीधी कंप्लेंट आरबीआई अथॉरिटी में कर दीजिए, फिर वह लोन ऐप वहां से हट जाएगा, बैन हो जाएगा और प्ले स्टोर पर फिर वो आपको लोन ऐप दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यह आपके अकेले करने से नहीं होगा, आप सबको मिलकर इसकी कंप्लेंट करनी होगी। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐप है ये आपको परेशान करते हैं, आपको मिलकर इनकी कंप्लेंट करनी होगी, जब जाकर ये लोन ऐप बैन हो सकते हैं और प्ले स्टोर से हट सकते हैं। दोस्तों बात करें तो रिपेमेंट की, दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आपको इनकी रिपेमेंट कर देनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके पास जेन्युइन रीजन है, तो फिर आप इनकी रिपेमेंट मत करिए, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं या आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें ये लोन ऐप वाले आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो ये सिर्फ आपका सिबिल में रिपोर्ट करेंगे, आपका सिबिल खराब कर सकते हैं और ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कोर्ट केस कर सकते हैं, ना आपको पुलिस में भेज सकते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसा है,
आपके पास पैसा हो, आप फिर भी इनकी रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको इनकी रिपेमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर आपके साथ गलत हो सकता है, क्योंकि वह भी आरबीआई के खिलाफ है। कोई भी लोन लेते हो तो आपको पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, रिपेमेंट का यही है, अगर आपके पास पैसे है तो आपको इनको पे कर देना चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आपको इनकी रिपेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं और मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो फिर आपको इनकी रिपेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लोन ऐप गाइड पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।